रेसिपी है और मकर संक्रांति या स्पेशल रेसिपी है, तो ये है मुरमुर लड्डू। इसे बनाना बहुत ही इजी है, ये तो मकर संक्रांति में हर घर में बनाई जाती है और सभी लोगों को पसंद पड़ती है। बहुत ही क्रिस्पी और कम मेहनत में ये बन करके हमारी जो लड्डू है वो रेडी हो जाती है, लेकिन बहुत लोगों से परफेक्ट बनने नहीं पाती है क्योंकि ये थोड़ी सी रुखड़ा होती है। तो इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स का यूज करेंगे तो हमारा जो ये लड्डू है वो परफेक्ट बन करके और रेडी हो जाएगी, आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी ये हमारे मुरमुर लड्डू बनाने में। और देखिए जो है महीने दो महीने के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, थोड़ी सी भी सॉफ्ट नहीं होगी। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है कितनी सॉफ्ट है। तो इस तरह के आप मुरमुर लड्डू बनाना चाहते हैं और कम मेहनत में, तो चलिए ये शुरू करते हैं। आप लोग के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपने घर पे इजिली इसे बना पाइएगा। तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं, आप लोग का साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फिर आप लोग के साथ आई हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस न्यू रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज का रेसिपी जो है मुरमुर लड्डू बना रहे हैं, मकर संक्रांति स्पेशल। तो मुरमुर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले जो हम लेंगे 1/4 कप ऑफ तिल, सफेद तिल है, इसको थोड़ी सी हम रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये सुनहरा कलर ना हो जाए, इसमें से थोड़ी खुशबू आने लगे तब तक हमको इसको रोस्ट करना है। बनाने के लिए सबसे पहले हमको तिल रोस्ट करना था, तो तिल रोस्ट करके हम रेडी हो गया है मेरा। फ्लेम करेंगे ऑफ, फ्लेम ऑफ करके और इसको तिल को हम एक बर्तन में इस तरह से पलट लेंगे और इस गर्म कढ़ाई को फिर से दोबारा हम चढ़ाएंगे इस पे। अब इसमें हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए अगर 100 ग्राम आप लिए हैं मुरमुर, तो उसमें 200 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मुरमुर जो होते हैं वेट लाइट वेट होता है और बहुत हल्का होता है, तो उसका जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाता है और जो गुड़ हमारा है वो ठोस होता है, तो इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है। तो इसीलिए आपको मुरमुर से दुगनी क्वांटिटी रखनी होगी गुड़ को, तभी जो है मुरमुर के लड्डू आपकी परफेक्ट बनेगी। तो इसकी हमको चाशनी बना करके रेडी करना है। और इसकी जो चाशनी हम बनाएंगे मुरमुर लड्डू के लिए वो थोड़ी हार्ड बनेगी, तभी जो है लड्डू आप परफेक्ट बना पाइएगा। ये गुड़ हमारा पिघलने लगा है और इसकी हमको चलाते हुए चाशनी अच्छे से बना लेनी है, नहीं तो गुड़ जो है तले में लग जाएगा और इसमें एक स्मेल आने लगेगी तो लड्डू आपके खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको चलाते हुए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे एक परफेक्ट चाशनी बना करके रेडी कर लेना होगा। तो बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है कि मुरमुर का जो लड्डू है परफेक्टली नहीं बन पाता है, तो उसका एक रीजन होता है कि गुड़ का क्वांटिटी आप कम डालते होंगे या फिर जो चाशनी है उतनी अच्छी चाशनी नहीं बना पाते होंगे। तो इस वजह से जो है, क्योंकि मुरमुर जो होता है थोड़ा सा रुखरा होता है, तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में गुड़ डालनी होगी मुरमुर से दुगनी, और ऊपर से इसका जो चाशनी है वो भी थोड़ी सी हार्ड बनानी होगी, तो ही जो है परफेक्टली आपका मुरमुर के लड्डू बन करके वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्लेम और हम जिस तरह से हमारा ये झाग बन रहा है, तो धीरे धीरे और हमारी फ्लेम जो है थोड़ी सी कम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको एक परफेक्ट चाशनी बना करके रेडी कर लेंगे। और अगर चाशनी आपको नहीं बनानी आती है और आपको प्रॉब्लम होती है, तो एक ट्रिक को यूज कीजिएगा तो परफेक्ट चाशनी बनेगी। एक लीजिएगा कटोरी में पानी और उसमें बीच बीच में थोड़ी सी चाशनी इस तरह से डाल करके और इस तरह से चेक करते जाइएगा। तो देखिए ये चाशनी जो है हमारी पूरा बिखर जा रही है, इसका मतलब चाशनी हमारी अभी रेडी नहीं हुई है। तो इसको अभी और हमको पकाना होगा मीडियम फ्लेम पे और फिर बीच में हम चेक करते जाएंगे। और चेक कर लेते हैं तो चाशनी भी ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, देखिए इसमें कितनी झाग बन रही है। तो चलिए एक बार और आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि चाशनी मेरी रेडी है या नहीं है। तो इस वाटर में हम डालते हैं और देखिए ये चाशनी जो है मेरी वो रेडी हो गई है। तो इस तरह से आपका जो ये है चाशनी है, देखिए इकट्ठा हो रहा है, तो ये इतना ही हमको परफेक्ट चाशनी चाहिए लड्डू बनाने के लिए। तो ये चाशनी हमारी रेडी है इस तरह से। अब फ्लेम को करेंगे हम ऑफ, फ्लेम को ऑन नहीं करना है। फ्लेम को ऑन करते अगर आप डाल दीजिएगा मुरमुर का तो सॉफ्ट हो जाएगा। और ये लिए हैं हम मुरमुर, देखिए रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल मिलता है। अब इसको हम इसमें हम डाल देते हैं
और डाल करके और मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी इसमें और मुरमुर हम ऐड करेंगे। टोटल हम 100 ग्राम मुरमुर लेंगे। तो ये बहुत ही लाइट वेट होता है, तो इसीलिए इसको देखने से इसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा लगती है। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। साथ में ही हम डाल देंगे ये रोस्ट किया हुआ सफेद तिल इस तरह से, और 1/4 कप पीनट। इसको रोस्ट करके इसका स्किन भी निकाल लिए हैं। इससे जो हमारे लड्डू में है बहुत ही अच्छी एक क्रंच आएगी और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से, और आपको नीचे ऊपर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन फ्लेम को ऑन नहीं रखना, ऑफ फ्लेम में यह प्रोसेस करना है, नहीं तो मुरमुर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपका लड्डू जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, क्रंच नहीं होगा उसमें। तो देखिए इस तरह से हम रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, और इसमें गुड़ देखिए आप अच्छे से कोट हो गया है। अगर गुड़ का क्वांटिटी आपका कम रहेगा तो मुरमुर का लड्डू बनाना नामुमकिन है। अभी हमारा रेडी है, अब इसी बर्तन में हम रहने देंगे क्योंकि इसमें अभी हीट है थोड़ी थोड़ी। तो थोड़ी थोड़ी सी फ्लेम से नीचे उतार दिए हैं, थोड़ी सी इसको हल्की सी ठंडी होने देते हैं, जितना कि हमारा हाथ को जो है गर्म कर सके उतनी ठंडी कर लेनी है आपको। और देखिए इसको अच्छे से कोट हो गया है। अब एक हथेली में लगाएंगे हम वाटर इस तरह से, और इसका थोड़ी थोड़ी मिश्रण आप उठाना इस तरह से, वो आप अपने साइज के बड़े या छोटे ऐसी इस तरह। तो इस तरह से हमको दबाते हुए प्रेस करते हुए देखिए इस तरह से फिंगर को इकट्ठा करके रखना है। और इस तरह से सारे लड्डू बना करके देखिए कितना परफेक्ट लड्डू हमारा बना है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना करके एक बर्तन में इस तरह से हम रखते जाएंगे। झटपट से बन करके रेडी है आज की हमारी मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुर लड्डू। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है और कम मेहनत में हमारा सुपर टेस्टी जो है लड्डू घर पे बन करके रेडी हो जाती है। और इसे लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, एक सॉफ्ट भी नहीं होगा और ये कभी खराब नहीं होता है। तो इस रेसिपी को आप फॉलो करके और अपने घर पे इस मकर संक्रांति इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।